हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीए एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डे स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। टॉपिक इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दीज आर रिलेटेड विद एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, राइट? These are related with atomic number and atomic mass. Clear? Now we discuss about the first topic is isotope. First topic is isotopes. Clear? It is the atom of element. It is the atom of element which have सेम एटॉमिक नंबर। क्या होना चाहिए आपका? सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। कोई भी एटम एलिमेंट का उसको क्या होना चाहिए? सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। इट इज क्लियर? सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप, राइट? एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहले लिया अपन ने किसका? हाइड्रोजन एटम। इसका लिया अपन ने हाइड्रोजन एटम, राइट? इसके थ्री आइसोटोप होते हैं, 1H1, राइट, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2, 1H3, तो दीज आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने कार्बन का। इसका लिया अपन ने कार्बन का 6C12, 6C13, 6C14, क्लियर? फिर अपन एग्जांपल लिया किसका? नाइट्रोजन का। इसका लिया नाइट्रोजन का N14, N15। देखिए आप एटॉमिक नंबर जो अपन ने रिप्रेजेंट किया था बेटा, देखो कोई भी एक्स एटम है Z और A, ये आपका मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। क्लियर? तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है और आपका एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। देखो क्लियर हो रहा है सबका? ये कोई डाउट है? अपन ले लिया नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन O8 16 O8 18 O8 16 O8 18। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक और एग्जांपल है आपका यूरेनियम। इसकी बात करेंगे अपन यूरेनियम। यूरेनियम में देखो एटॉमिक नंबर होता है 92 235, राइट? यूरेनियम 92 238 और यूरेनियम 92 239। क्लियर? दीज आर द आइसोटोप विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार। देखिए बेटा यहां पर ओनली जो कहानी है किसकी आएगी? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आपको इन टर्म के लिए एटम का रिप्रेजेंटेशन वही होगा आपका XZA, तो आप आराम से आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात आती है अपने पास में सेकेंड टॉपिक है आपका कौन सा? आइसोबार। इसकी बात आती है आइसोबार। क्लियर? आइसोबार के लिए क्या होता है आपका? डिफरेंट
एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास. डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार, आर कॉल्ड आइसोबार. एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो एग्जाम्पल लिया अपन ने आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, से कितना है 19, से कितना है आपका 20. क्लियर, 18, 19, 20, राइट. इसको कितना है 40, देन 40, देन 40. क्लियर, कोई डाउट है? अब देखिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्लियर हो रहा है? तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है आपका सेम. क्लियर, जैसे देखिए C6 14 और नाइट्रोजन 7 14, बोथ आर आइसोबार, बोथ आर आइसोबार. क्लियर है? कोई डाउट है? आगे चले, नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड टर्म है आइसोटोन, आइसोटोन. यहां पे कहेंगे अपन दोज डिफरेंट एटम्स, दोज डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स. दोज डिफरेंट एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब इसमें क्या होगा आपका आइसोटोन्स मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स. फॉर एग्जांपल देखिए सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर. सिलिकॉन में कितना होता है 14, से कितना होता है आपका 15, से कितना होता है आपका 16. इसका मास होगा आपका 32, इसका होगा आपका 31, इसका होगा आपका 30. क्लियर. अब अपन क्या करना है, यहाँ पर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं. क्या करने हैं? न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं. अगर न्यूट्रॉन तीनों में सेम है तो ये आपस में क्या होंगे आपके आइसोटोन्स होंगे. अब देखिए इनके लिए अपन क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इसकी बात करें अपन सिलिकॉन के लिए, इसकी बात करें सिलिकॉन के लिए क्या करेंगे 30 माइनस 14 कितना हो गया आपका 16. फॉस्फोरस के लिए 31 माइनस 15 कितना हो गया आपका 16. फिर बात करें सल्फर के लिए 32 माइनस 16 कितना हो गया आपका 16. सो दीज आर आइसोटोन्स, दीज आर आइसोटोन्स. क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड या पी या ई. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड या पी या ई. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही है और आपका एटॉमिक नंबर भी यही है. तो आपका एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इन तीनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जाम्पल खोल लेते हैं अपन, देखिए ध्यान से, आइसोटोन का एग्जाम्पल देखिए बेटा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कितना 6, से कितना है 7, कितना है 8, या 16, या 15 और यहां पे 14। अब क्या निकालने हैं आपको उनके लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो चेक करके देखना होगा कि इनमें न्यूट्रॉन सेम है या नहीं। तो देखिए कैसे बात करते हैं कार्बन के लिए, तो कितना 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, फिर बात की नाइट्रोजन के लिए 15 माइनस 7 कितना हो गया आपका 8, और फिर ऑक्सीजन के लिए 16 माइनस 8 कितना हो गया आपका 8। सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स, दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। बात क्लियर है, तो जो भी स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबके, रब कर दें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसी में फोर्थ नंबर का आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नंबर फोर्थ है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां पर डेफिनेशन देखिए, दो स्पीसीज, क्या बात करेंगे अपन, दो स्पीसीज, अब वो क्या हो सकता है आपका, एटम हो सकता है या आयंस हो सकता है, दो स्पीसीज एटम हो सकता है या आयंस हो सकता है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहां पे, N-3 राइट, O-2 F-, फिर आता है आपका नियोन, फिर आता है आपका सोडियम प्लस राइट, फिर आता है आपका मैग्नीशियम प्लस 2, और फिर आता है आपका एल्युमिनियम प्लस 3। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कैसे हैं देख लीजिए बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें 7। अब चार्ज कितना है -3, और चार्ज कब आता है माइनस का, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 3, ये कितना हो गया आपका 10। ऑक्सीजन कितना है आपका 8, जिसके इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज कितना है 2, तो कितने हो गए आपके 10। फ्लोरीन पे कितना है आपका 9, अब इस पे चार्ज कितना आ रहा है आपका माइनस, तो 9+1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। नियोन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 10। सोडियम कितना होता है आपका 11, तो 11 प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो -1 कितना हो गया आपका 10। फिर आता है आपका मैग्नीशियम 12 में कितना माइनस किया 2, कितना आ गया आपका 10। एल्यूमिनियम कितना है आपका 13, तो आपका 13-3 कितना हो गया आपका 10। समझ लो बेटा, कोई भी एटम है आपका, उसमें माइनस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन, उसमें प्लस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जितना चार्ज है उतना आपका प्लस में है तो माइनस कर दो, और अगर माइनस में तो प्लस कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस स्पीसीज में अपन को काउंट हो जाएंगे। नाइट्रोजन में चार्ज कितना है आपका -3, पहले इलेक्ट्रॉन कितने 7, 7+3 कितने हो गए 10, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है 8, कितना चार्ज है -2, कितने हो गए 10, पहले से कितना है आपका 9,
चार्ज कितना है माइनस वन, टेन, कोई चार्ज नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन टेन। यहाँ प्लस में है, जितना प्लस में उतना माइनस कर दो, प्लस वन इलेवन माइनस वन, प्लस टू ट्वेल्व माइनस टू, प्लस थ्री थर्टीन माइनस थ्री, टोटल सम में इलेक्ट्रॉन कितने आपके टेन। तो सारी स्पीसीज क्या हुई आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या हुई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर। तो अपन बात करें आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार सेम एटॉमिक मास, आइसोटोन सेम एटॉमिक सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन राइट, और आइसोइलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये आपका टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।